क्या आप जानते हैं कि जो नूडल्स आप बहुत ही चाव के साथ खाते हैं उनमें सुअर की चर्बी मिली होती है? और क्या आप जानते हैं कि जिस चिंगम को आप इतने मजे से चबाते हैं वो किस जानवर की चर्बी से बनती है? दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको फैक्ट्री के अंदर सुअर की चर्बी से बनने वाली सभी प्रोडक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बताएंगे। दोस्तों, सुअर की चर्बी से बनने वाली ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है जिसे आप अपनी डेली रूटीन में खाते और पीते हैं। आज हम आपको इसकी पहचान कैसे करें ये भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे सुअर की चर्बी से खाने की चीजें बनाई जाती है। नंबर एक, नूडल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चों को नूडल्स खाना बहुत पसंद होता है। अगर आप अपने बच्चे को ये नूडल्स खिलाते हैं तो इन नूडल्स से आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी नूडल्स में कंपनियां MSG नाम का इंग्रेडिएंट्स मिलाती हैं। इस MSG को कंपनियां सुअर की चर्बी से बनाती है। ये MSG इंग्रेडिएंट्स नूडल्स में स्वाद को बढ़ाता है। हालांकि इस MSG इंग्रेडिएंट्स को मक्का, स्टार्च और गन्ने से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीट इंडस्ट्री से वेस्ट रूप में आई सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। MSG का मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। MSG सिरदर्द, चक्कर आना, पेट खराब होना या फिर पेट में जलन जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इन नूडल्स को फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले आटा, मैदा, कई तरह के मसाले, कई तरह के केमिकल, MSG पाउडर, पानी, इन सभी चीजों को एक मिक्सर में डाला जाता है और इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर आटे की तरह गूंद लिया जाता है, जिसके बाद गूंदे हुए आटे को रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है। इससे ये आटा एक लंबी शीट का आकार ले लेता है। अब इस आटे की शीट को कई और बहुत सारे रोलर के बीच में से गुजरा जाता है, इसीलिए आटे की शीट बहुत पतली हो जाती है। अब अंत में ये मशीन इस आटे की शीट को नूडल्स के शेप में काटती जाती है और मशीन इन नूडल्स को एक समान शेप में काटती है। अब इन नूडल्स को ड्रायर में पकाया जाता है। यहाँ पर ये नूडल्स 80% पक जाते हैं और बाकी 20% घर पर पकाना होता है। अब नूडल्स को ड्रायर में पकाने के बाद दूसरी कटर मशीन की मदद से नूडल्स को छोटे छोटे नूडल्स में काट लिया जाता है। अब नूडल्स को पन्नी में पैक करके बाजार में भेजा जाता है। इस तरह से फैक्ट्री में नूडल्स तैयार किए जाते हैं।